नमस्कार आप देख रहे हैं, हैं सियासत का खेल कानपुर कांड का मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया आपको बता दें कि यूपी एस की टीम ने इंकाउंटर में अपराधी गैंगस्टर विकास दुबे को मार गिराया महाकाल उज्जैन मंदिर से गिरफ्तार कर कानपुर ला रही एस की टीम की गाड़ी कानपुर में दुर्घटनाग्रस्त हुई पुलिस के अनुसार इस दौरान अपराधी विकास दुबे ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की जिसके बाद जवाबी फायरिंग की गई और इस फायरिंग में गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया लेकिन विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद से ही अब यूपी में सियासी घमासान शुरू हो गया है और सभी विकास दुबे के इंकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए तंज कसा है अखिलेश यादव ने एक लाइन कर ट्वीट किया है दरअसल ये कार नहीं पलटी राज्य खुलने से सरकार पलटने से बच गई बता दें कि कल ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विकास दुबे की गिरफ्तारी के, के बाद भी तंजभरा ट्वीट किया था उन्होंने लिखा था खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पुलिस की हिरासत में है अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि ये आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी अब विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद से ही यूपी की सियासत में घमासान शुरू हो गया है और सभी विपक्षी पार्टियां इस पर सवाल कर रही हैं अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि गाड़ी नहीं पलटी है सरकार पलटने से बच गई है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद